वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमारा चल रहा था प्रोनाउन का चैप्टर, लगभग थोड़ा थोड़ा सा सटीक हम बेसिक ग्रामर लेके चल रहे हैं, तो वो उसका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक, अभी उसमें बहुत सारा मटेरियल है, बहुत ज्यादा है, जो नेक्स्ट हम बताते जाएंगे। अभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के भी चल रहे हैं ना, तो उसकी थोड़ी थोड़ी हमको जानकारी देना आवश्यक है। इसलिए आपको आज हमारा जो लास्ट चैप्टर था प्रोनाउन के हमने डेफिनेशन, उसके काइंड्स ये बताया, उसमें से कुछ यूजेस भी बताए, एज, इच, नाइदर, आइदर, इट, दैट, इटीसी, है ना। अब हमारा जो चल रहा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा थर्ड पार्ट, वो है वर्ब के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो ध्यान ये आपको देना है कि इसका डेफिनेशन जो है, इसका डेफिनेशन जब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्टरी दे रहे थे, परिचय दे रहे थे, तो उसमें हमने उसके डेफिनेशन को बता दिया है। फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिविजन करते हैं। इसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स। हम ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं सिर्फ आपके लिए किए हैं, और हमारा वीडियो लगभग 10, 12 या 15 मिनट्स का होता है। तो ये यदि हम आप अपना टाइम आपके लिए इतना दे रहे हैं, तो आपको भी कम से कम हमारे वीडियोस को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग इजीली होती है और उसके डिफिकल्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो दिखाया जाता है। तो स्टार्टिंग हमारा जरूर इजीली होता है, उसकी सरलतम स्टार्ट हम करते हैं, और उसके डिफिकल्टीज को किस तरह से फेस किया जाता है, किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, वो लास्ट में बताया जाता है। बट आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपके लिए या मेरे लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कम से कम वीडियो को आप लगातार पूरा देखने का प्रयास किया करिए। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आपको वर्ब बताने के लिए। तो हमने बताया था आपका इसका डेफिनेशन बताया था कि वर्ब्स क्या होती हैं। इसका डेफिनेशन कि जिस किसी वस्तु या व्यक्ति में करना या होना पाया जाए। सरल शब्दों में हमने ऐसा भी बताया था कि जिन क्रिया के अंत में, जिन शब्द के अंत में ना लगा हो, ना कैसा, आना जाना, खाना उठना, यानी कि अपन जो सुबह से लेकर के शाम तक जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो क्या होती है, वो क्रिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो अब क्रिया को कुछ हम ग्रामेटिकल कोर्स में समझाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो ग्रामेटिकल में देख लें यदि, तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे थे वर्ब्स, वर्ब्स में आज हमको बताना क्या है कि ये कार्य कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब करती है। ठीक, वो चलते हैं। अब वर्ब में टेल अस, क्रिया को हम कैसे पहचाने, क्रिया क्या क्या कार्य करती है, किस किस दशा में कार्य करती है और वो कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। तो सबसे पहले हम पर्सन में चलते हैं। पर्सन हो गया, हमने ले लिया सीता सिंग्स। ध्यान देंगे आप, ये व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कार्य करता है, क्या दिखाता है हमें, वह दिखा रहा है सीता सिंग्स। सीता गाती है, है ना। राधा लव्स, ठीक है ना। तो यहाँ देखने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कोई भी सीता, किसी पर्सन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसको दर्शाने के लिए, यानी कि क्रिया कौन सा कार्य कर रही है इसको दिखाना। तो सीता सिंग्स गा रही है और यहाँ राधा लॉफ कर रही है। वस्तु में यदि हम चलें, वस्तु यदि चलें वस्तु में, तो वस्तु के लिए हमने जैसे मान लो बताया कि बर्ड्स कर देते हैं, बर्ड्स ब्लॉसम, ठीक है। सीता सिंग्स व्यक्ति कार्य कर रहा है, राधा लॉस व्यक्ति कार्य कर रहा है, और यहाँ पे द बर्ड्स ब्लॉसम यानी कि कलियाँ जो हैं खिल रही हैं। कलियाँ क्या हो रही हैं, खिल रही हैं, खिलती हैं, कलियाँ जो हैं खिलती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, थिंग हो गया और यहाँ पे पर्सन हो गया। तो ये जो कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, ये
जो हमारा वर्ब होता है इनके कार्यों को दर्शाता है। वर्ब क्या होता है? इनके कार्यों को दर्शाता है, ये क्या कार्य कर रहे हैं उनको दर्शाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डन अ पर्सन और थिंग, व्हाट इज डन अ पर्सन और थिंग, यानी कि व्यक्ति या पर्सन के, व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो ही हेल्प्ड मी, जैसे यहां हमने कर दिया ही इज हेल्प्ड, ठीक। अब यहाँ पे कार्य क्या किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, ही इज हेल्प्ड, यानी कि उसकी मदद किया गया है ना, उसका उसकी जो हेल्प है की गई, यहाँ पे क्या आ गया, इसके द्वारा कार्य को करवाया गया, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है, यदि हम दूसरा दे दें, लाइट इज बर्न, है ना, द लाइट, लाइट इज बर्न, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज डन अ पर्सन और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य करवाया जाता है, इन चीजों से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वस्तु, वस्तु और व्यक्ति है क्या, वस्तु और व्यक्ति क्या है, वो चीज दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, राम इज अ डॉक्टर, ठीक, राम इज अ डॉक्टर, ठीक, राम इज अ डॉक्टर। और दूसरा चीज है, द पेन इज, पेन इज ब्लैक, ठीक है ना। तो इसमें से अब आपको समझ में आ गया होगा कि राम इज अ डॉक्टर, ये क्या दिखा रहा है, पर्सन के बारे में क्या दिखा रहा है, कि क्या है, क्या है, ठीक। और इसमें से क्या दिखा रहा है कि वस्तु क्या है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है इस चीज में, इसमें आपके किसी वस्तु या थिंग के करने का, यहाँ किसका बोध हुआ है, करने का बोध हुआ है, ठीक। यहाँ पे जो बोध हुआ है किसका हुआ है, वहाँ पे कराया गया है ना, क्या किया गया है, कराया गया है, ठीक, इसके द्वारा। और यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, इन चीज़ों से क्या आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्या है, क्या है, ठीक। तो अब एक बार और समझ लेंगे, व्हाट अ पर्सन और थिंग डस, इसमें से वस्तु या व्यक्ति के करने का, व्हाट इज डन पर्सन और थिंग, इसमें वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कार्य कराया जाता है, और लास्ट वाले में व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, क्या है, कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, उस चीज को दिखाया जाता है। तो आपको वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनके काइंड्स को बताएंगे, इनके प्रकार को बताएंगे और इनके यूजेस को बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहिए और देखते रहिए।